एवरीवन, मैं हूँ सुष्मिता। कई तरह के स्किन केयर रूटीन, एक्सपेंसिव स्किन केयर प्रोडक्ट्स यूज करने के बावजूद भी कई बार एक्ने, डलनेस, रिंकल्स हमारा पीछा ही नहीं छोड़ते। हम समझ ही नहीं पाते हैं कि ऐसी क्या गलती हम कर रहे हैं कि इतने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने के बाद भी फेस ऐसा दिख रहा है। बेसिकली कई बार हम कुछ अनलोइंगली ऐसे मिस्टेक्स करते हैं जिससे स्किन को नुकसान होता है। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कौन कौन से वो छोटे छोटे मिस्टेक्स हैं जो आप दिन भर में करते हैं जिससे स्किन आपका लॉन्ग टर्म डैमेज होता है। सो यार, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्किन को लॉन्ग टर्म में डैमेज करने वाली मिस्टेक नंबर वन है स्किन को बार बार ब्लीच करना। जो आप ये हर 15 डेज में फेशियल हेयर को हाइड करने के लिए ब्लीच करते हैं, इससे आपकी स्किन का एजिंग प्रोसेस फास्ट हो जाता है। क्योंकि नो मैटर कितना भी एडवर्टाइजमेंट्स में क्लेम किया जाए कि ब्लीच एकदम नेचुरल है, उसमें केसर, दूध, मलाई, हल्दी, चंदन है, ऐसा कुछ नहीं होता है। ब्लीचेस स्ट्रॉन्ग केमिकल्स के बने होते हैं जो स्किन की टॉप लेयर को जला देते हैं। फेशियल ब्लीचेस के इंग्रेडिएंट्स पे एक बार आप ध्यान जरूर दीजिएगा और आपकी सारी गलतफहमियां दूर हो जाएंगी कि ब्लीचेस एक्चुअली किस तरह के इंग्रेडिएंट्स से बनते हैं। फ्रीक्वेंटली ब्लीचिंग करने से ना सिर्फ एजिंग प्रोसेस फास्ट होता है बल्कि आपके स्किन पर एक्ने ज्यादा आएंगे और पिगमेंटेशन भी बढ़ेगा। बहुत ही ज्यादा जरूरी होने पर ब्लीच इस्तेमाल कीजिए। मैं तो बोलूंगी आप 2 से 3 महीने के अंतराल में ही ब्लीच यूज़ कीजिए। और जहाँ तक रही बात फेशियल हेयर्स को हटाने की, तो उसके लिए आई वुड सजेस्ट कि आप रेजर्स यूज़ कर सकते हैं, जो स्पेशली फीमेल फेशियल हेयर को हटाने वाले रेजर्स आते हैं। दे आर लाइक वेरी डिफरेंट फ्रॉम द काइंड ऑफ रेजर्स जो जेंट्स यूज़ करते हैं। फेशियल हेयर को हटाने के लिए जो ये रेजर्स होते हैं, ये बहुत सेफ होते हैं अगर आप उनको केयरफुली यूज़ करें। और इसके कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते, इससे कोई एजिंग वगैरह नहीं होती है। बहुत ही कम लोग इस मेथड को जानते हैं कि हाउ टू सेफली गेट रिड ऑफ फेशियल हेयर यूजिंग अ फेशियल रेजर फॉर वुमेन। अगर आप देखना चाहते हैं कि कैसे हटा सकते हैं हम अनवांटेड फेशियल हेयर, तो मुझे बताइएगा, मैं इसके लिए एक ट्यूटोरियल करूंगी आपके लिए हाउ टू यूज इट करेक्टली। स्किन केयर मिस्टेक नंबर 2 है ओवर एक्सफोलिएशन, यानी कि कई बार स्क्रब करना, फ्रीक्वेंटली स्क्रब करना। हमारे स्किन के पोर्स में जमी इम्प्योरिटीज, मेकअप रेसिड्यू, सीबम वगैरह को क्लीन करने के लिए स्क्रबिंग बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसे बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं करना चाहिए। वो इसलिए कि हमारी जो फेस की स्किन होती है वो बाकी बॉडी की स्किन से बहुत ज़्यादा नाजुक और सेंसिटिव होती है। अगर आप ओवर एक्सफोलिएशन करते हैं तो स्किन के पोर्स खुल जाते हैं जितना उन्हें खुलना चाहिए उससे भी ज़्यादा। इससे सीबम का जो प्रोडक्शन होता है वो ज़्यादा होता है, प्लस इट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ एक्सटर्नल इम्प्योरिटीज एंड पोल्यूटेंट्स इन टू दी स्किन पोर्स। तो ऐसा मत कीजिए, अदरवाइज यू विल बी इनवाइटिंग होल लॉट ऑफ ब्लैक हेयर्स एंड एक्ने। इसीलिए बहुत मॉडरेशन में एक्सफोलिएशन कीजिए। एंड डोंट फॉरगेट टू यूज अ टोनर आफ्टर यू हैव एक्सफोलिएटेड। आप गुलाब जल यूज़ कर सकते हैं, ठंडा पानी यूज़ कर सकते हैं, या कोई भी टोनर जो आपके पास है उसे यूज़ कर सकते हैं। टोनर बेसिकली जो ओपन हो चुके हैं पोर्स उनको स्क्वीज कर देता है टू इट्स ओरिजिनल फॉर्म। सो या डोंट फॉरगेट टू यूज़ अ टोनर। स्किन केयर मिस्टेक नंबर 3 इज नॉट वेयरिंग अ सनस्क्रीन। अगर आप बगैर सनस्क्रीन लगाए बाहर जाते हैं, सो यू आर सब्जेक्टिंग योर स्किन टू सन डैमेज। सन डैमेज लोग सोचते हैं कि सिर्फ टैनिंग हो जाती है और वो समय के साथ चली जाती है, ऐसा नहीं है। अगर सन की इंटेंस और हार्मफुल रेज आपके स्किन पर पड़ती हैं और कई बार कई लंबे ड्यूरेशन तक अगर स्किन एक्सपोज होती है, तो इससे एजिंग प्रोसेस बढ़ता है, आपको पता नहीं चलता, और समय के पहले आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स दिखने लगता है। सो इट्स नॉट जस्ट अबाउट अ टैनिंग। ऐसा नहीं है कि सिर्फ थोड़ी सी स्किन झुलस जाएगी एंड एवरीथिंग विल बी फाइन लेटर, ऐसा नहीं है। सन रेज आर मोर डैमेजिंग देन यू कैन थिंक। और अगर आपको अपनी स्किन में कोलेजन के जो लेवल है उसको मेंटेन रखना है, प्रिजर्व रखना है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू वेयर अ सनस्क्रीन जब भी आप बाहर जाए। स्किन केयर मिस्टेक नंबर 4 इज नॉट क्लेंजिंग द फेस बिफोर यू गो टू बेड। दिस इज सच अ कॉमन थिंग दैट पीपल डू। आप दिन भर की गंदगी, पसीना, धूल, मिट्टी, मेकअप के साथ अगर सोने जाएंगे तो आपके पोर्स को सांस लेने की ना मौका मिलेगा।
बिकॉज वेन यू आर स्लीपिंग आपकी जो बॉडी होती है वो दिन भर के वेयर एंड टेयर और जो डैमेज हुआ होता है उसे रिपेयर करती है. सो एटलीस्ट लेट दी स्किन डू इट्स जॉब. आप जितना फेस को क्लीन करेंगे आपकी स्किन के लिए रिपेयरिंग उतना आसान हो जाएगा. अगर आप दिन भर की गंदगी लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ प्रोडक्ट्स के साथ अगर आप सोने जाएंगे सो इट विल बी वेरी वेरी डिफिकल्ट फॉर द स्किन टू रिपेयर इटसेल्फ. सो मेक श्योर दैट यू यूज अ प्रॉपर क्लेंजर. अगर क्लेंजर नहीं भी यूज करते हैं जस्ट वॉश योर फेस विद अ फेस वॉश बिफोर यू गो टू बेड. स्किन केयर मिस्टेक नंबर 5 इज नॉट टेकिंग एडिक्वेट सप्लीमेंट्स और एडिक्वेट नरिशमेंट. नो मैटर आप कितने एक्सपेंसिव प्रोडक्ट यूज करते हैं कितने अच्छे सलॉन्स में जाके फेशियल करवाते हैं लेकिन अगर आपकी स्किन को नरिशमेंट नहीं मिलता है अंदर से तो वो उतनी ग्लोइंग और उतनी फ्रेश और यूथफुल नहीं दिखेगी. स्किन के लिए ज़रूरी है कि उसे एडिक्वेट नरिशमेंट मिले. जैसे हमारी बॉडी को सुचारू रूप से काम करने के लिए नरिशमेंट चाहिए उसी तरह से हमारी स्किन को भी कुछ स्पेशल नरिशिंग एलिमेंट्स चाहिए. जैसे कि आप विटामिन सी लीजिए फॉर स्किन ब्राइटनिंग, विटामिन ए लीजिए फॉर इनफ ब्लड प्रोडक्शन एंड इनफ ऑक्सीजन टू द स्किन. मैं एक सिंपल सा एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगी वो ये कि जो लोग बीमार होते हैं या जो एनेमिक है नो मैटर वो कितना मेकअप लगाएं या कितने भी अच्छे प्रोडक्ट्स यूज करें दिस स्किन स्टिल लुक्स डल एंड मैलनरिश. और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इतने हेल्दी होते हैं कि उन्हें कोई मेकअप की जरूरत नहीं होती बिकॉज देयर स्किन इज ग्लोइंग. सो यू कैन ऑलवेज टेल द डिफरेंस. सो मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग वेल एंड स्लीपिंग वेल और ड्रिंकिंग इनफ वाटर टू मेक योर नेचुरल ब्यूटी शाइन थ्रू. सो फ्रेंड्स ये थे वो 5 स्किन केयर मिस्टेक्स जो हम अनलोइंगली करते हैं और उसका नतीजा हम अपनी स्किन पर देखते हैं. सो मेक श्योर कि आप इनका ध्यान रखें अगली बार से. Try to maintain a very healthy lifestyle because whatever you eat or whatever you do, it reflects on your skin and hair. So yeah, this is all for today. I hope you like this video. Mere ko follow kar lijiye so that you get a notification for every new video. Aur aapse milti hu next video mein. Tab tak ke liye bye and take care.